फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे, हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे थे, हम उसमें पढ़ रहे थे हम स्वर्ज इनइक्वलिटी क्या होती है। स्वर्ज इनइक्वलिटी जो होती है वो हमारे पास एफ जेड आई डब्ल्यू आई आई बराबर 1 to n आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, उसके बाद रियल एनालिसिस में भी इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से लिखते हैं। और इसका हम चूँकि हम रियल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, तो हम ओनली रियल एनालिसिस में इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, मोड ऑफ आर बराबर 1 to ∞ जेड आई डब्ल्यू आई इज लेस देन इक्वल टू आई बराबर 1 to n सम ऑफ ऑल जेड आई का स्क्वायर, यानी जो मोड है उसका की पावर 1/2 प्लस ये होता है आई बराबर 1 to n मोड ऑफ डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर डॉट। और जो रियल नंबर्स में होते हैं, रियल नंबर्स में स्क्वायर लेम जो होती है वो होती है हमारे पास मोड ऑफ आई बराबर 1 to n एक्स आई बाई आई इज लेस देन इक्वल टू आई बराबर 1 to n एक्स आई स्क्वायर की पावर 1/2 और डॉट आई बराबर 1 to n वाई स्क्वायर की पावर 1/2। फ्रेंड्स, हमको प्रूव करते हैं रियल नंबर्स में। इन रियल नंबर्स लेट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन एंड वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन बिलोंग्स टू आर। हमने सपोज किया है कि एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट जो एक्स एन है वो वाई वन के एक्स वन के एलिमेंट है, वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन जो है वो आर के एलिमेंट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वाई एन स्क्वायर माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस डॉट 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 एक्स एन वाई एन का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके के हम देखेंगे तो जैसे एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और इसके स्क्वायर के में भी आएगा एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर तो वो कट जाएंगे और इस तरह से जो टर्म बचेंगी वो बचेंगे हमारे पास एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हर किसी का स्क्वायर बचता जाएगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो हम कह सकते हैं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स एन स्क्वायर डॉट वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वाई एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन वाई एन का होल स्क्वायर, इससे बड़ा होगा इसका स्क्वायर हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो टर्म बची है वो पॉजिटिव टर्म बची है हमारे पास। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद जो टर्म बची है वो पॉजिटिव टर्म है और पॉजिटिव टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं जो ये इसमें से इसको माइनस किया तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन हमने यहाँ पे लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन लगा के सॉल्व किया है तो ये इसको इस साइड को हम इधर ले गए हैं तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस डॉट डॉट इसका होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, सो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 1 to n मोड ऑफ एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल टू आई बराबर 1 to n एक्स आई स्क्वायर पर 1/2 प्लस आई बराबर 1 to n वाई आई स्क्वायर पर 1/2, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको हमने किस तरह से लिखा है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर है और ये क्या है मोड ऑफ वाई स्क्वायर का, यहाँ से हमने साइन चेंज किया है और ये क्या आया था हमारे पास एक्स आई वाई आई के जो मल्टीप्लाई थे उनका मोड था ये। तो इस तरह से हमने साइन चेंज किया है क्योंकि इस टर्म को हमने पहले लिखा है और इस टर्म को पीछे लिखा है, तो यहाँ पर हमने ये इस टर्म को लिख दिया है तो इनको हम साथ ही प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो मोड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स डॉट मोड ऑफ वाई, सॉरी मोड नहीं है फ्रेंड्स, ये नॉर्म है, नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई।